बट बड़ा एक्शन कुछ केमिकल स्टॉक्स में आते हुए दिख रहा है, जिसकी अभी बात भी चल रही थी। दीपक नाइट्राइट, इस पर रखिए नजर, आज 2% ऊपर है, डेज हाई से थोड़ा नीचे आया है। आफ्टरनून में तो और भी अच्छा स्पाइक आया था दीपक नाइट्राइट में। एक बार जरा समझते हैं आशीष के साथ इस काउंटर में क्या चल रहा है। आशीष बताइए दीपक नाइट्राइट। दीपांशु, यहाँ पर अगर आप देखें तो काफी समय के बाद केमिकल स्पेस में एक्शन पॉजिटिव साइड पर आपको देखने को मिल रहा है। अब खबर ये आ रही है कि जो फिनॉल की स्प्रेड्स है, यहाँ पर 32% की बढ़त है। और इनफैक्ट चीन में पिछले 6 दिनों में फिनॉल की जो कीमतें हैं, इसमें 7.5 से लेकर 8% की बड़ी बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिली। 21 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल तक अगर आप ट्रेंड देखें तो 7,640 प्रति टन से बढ़कर 8,220 रुपये प्रति टन यहाँ पर कीमतें देखने को मिली है। और IIFL सिक्योरिटीज की एक रिपोर्ट भी है जहाँ पर कहा जा रहा है कि इसका सीधे तौर पर अगर आप देखें तो बड़ा इंपैक्ट दीपक नाइट्राइट पर देखने को मिलता है। कारण ये कि अगर आप फिनोलिक सेगमेंट की बात करें तो रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा है, 64% के आसपास है। 9 मंथ FY24 का आंकड़ा अगर आप देखें तो 64% का रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन है। और कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी है जो बता रही कि हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स का जो प्लांट है ये 10 अप्रैल से मेंटेनेंस के लिए बंद है, और साथ में चाइना में भी कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जहां पर ये मेंटेनेंस शटडाउन किया जा रहा है। तो सप्लाई की डेफिसिट है, कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है, सीधा और बड़ा फायदा दीपक नाइट्राइट को देखने को मिलेगा। तो बड़ा एक्शन उस पर देखने को भी आपको मिल रहा है। शरद जी, कोई व्यू रखते हैं सर दीपक नाइट्राइट पे? मुझे लगता है लॉन्ग टर्म व्यू मेरा काफ़ी पॉजिटिव है। जिस तरीके का कैपेक्स कंपनी कर रही है पिछले कुछ समय में, जैसी अनाउंसमेंट्स वगैरह निकल के आई हैं, और फेनोलिक से भी 50-60% रेवेन्यू लगभग कंपनी का आता है, तो उसका फ़ायदा उनको मिलना चाहिए। वैल्यूएशन के लिहाज से भी मुझे नहीं लगता कि बहुत स्ट्रेच्ड है। FY26 में 100 रुपये के आसपास की अर्निंग्स आ सकती है, और कैपेक्स साइकिल भी काफ़ी मजबूत है लॉन्ग टर्म में, तो मुझे लगता है 30x का मल्टीपल इनको आसानी से मिल जाना चाहिए। और ये न्यूज़ के बेसिस पे मोस्ट प्रोबेबली टोटल जो टॉप लाइन एडिशन होगी वो ज़्यादातर बॉटम लाइन अक्रेशन में कन्वर्ट होगी, तो फॉरवर्ड नंबर्स में री रेटिंग की भी गुंजाइश रहती है। बिना री रेटिंग के भी हम 25-26% की CAGR की उम्मीद कर रहे थे, और मेरे हिसाब से 26 या 27 में उनके ज़्यादातर कैपेक्सेस चालू हो जाएंगे जो वो कर रहे हैं। डिसेंट साइज ऑफ कैपेक्स है कंसिडरिंग अभी जो बैलेंस शीट साइज है उसके कंपेरिजन में, तो मुझे लगता है दीपक नाइट्रेट एक बढ़िया लॉन्ग टर्म बेट साबित होनी चाहिए। जैसे जैसे चाइना नॉर्मलाइज होता है, लॉजिस्टिक इश्यूज भी नॉर्मलाइज होते हैं, उसका काफ़ी बड़ा फायदा इनको मिलना चाहिए। कंजर्वेटिवली भी ट्रेड करता है तो मुझे लगता है 100 पे 30 टाइम तो आसानी से मिल जाना चाहिए। तो इनिशियली 3,000 रुपये के टारगेट्स लेके चलना चाहिए, 3,000 के टारगेट्स लेकर चलना चाहिए, तो अच्छा खासा कन्विक्शन है। 500 रुपये की अपमूव करंट लेवल से दिख रही है शरद अवस्थी साहब को इस काउंटर के लिए।